जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तब की जब जेल में कैद संजय दत्त कर रहे थे उस तारीख का इंतजार जब उन्हें जेल की कैद से मिलेगी आज़ादी। और तब जेल में कैद संजू बाबा ने क्या कुछ नहीं किया था, उसी वक्त की एक घटना है जिसे आज याद किया जा रहा है। संजय दत्त जिन्होंने यरवदा जेल में सालों गुजारे थे, दिन रात काटे थे, रोते बिलखते और दुख तकलीफ में परिवार के बिना सारी मशक्कत झेली थी। सुनील दत्त के ऐसे बेटे जिनके पास ना शोहरत की कमी थी ना दौलत की, लेकिन एक गलती ने उन्हें जेल की रातें काटने को मजबूर किया, जेल की रोटी खाने को मजबूर किया। आर्म्स एक्ट की वजह से संजय दत्त को यरवदा जेल में कैद किया गया था। वहीं पर राखी का त्यौहार मनाने जब उनकी दोनों ही बहनें नम्रता और प्रिया दत्त पहुँची थी, तो हुआ कुछ ऐसा था कि संजय दत्त को अपनी दोनों ही बहनों को राखी के बदले तोहफे के लिए खास तैयारियां करनी पड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं पुणे की यरवदा जेल में 42 महीने वक्त गुजारने वाले संजय दत्त ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और वेपन्स को लेकर, इलीगल पोजेशन और आर्म्स और वेपन्स को लेकर जिस 1993 के मुंबई में हुए घटना के इंसिडेंट को लेकर वो निशाने पर आए थे, उसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी बदली थी। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उनका, बेटर वर्जन उनका निकल कर सामने आया था। शायरी लिखने से लेकर अपने फिजिक पर काम करने से लेकर किताबें पढ़ने से लेकर अपने ईगो को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले संजय दत्त ने कई चीज़ों का अनुभव यरवदा जेल में साझा किया था। उनकी बहनों ने तब बताया था कि कैसे उन्होंने तोहफे दिए थे अपनी बहनों को जेल में कैद रहकर। जी हाँ, कॉफ़ी टेबल बुक टाइटल मिस्टर एंड मिसेस दत्त रिलीज़ किया था संजय दत्त की बहनों ने, और तब उन्होंने रिवील किया था संजय दत्त से जुड़ा ये दर्द भरा सच। जब वो पहुंची थी सुनील दत्त के बेटे संजय को राखी बांधने, दोनों ही बेटियां सुनील दत्त की रो पड़ी थी। जो गिफ्ट संजय से उन्हें मिला था, भाई से मिला था, पिता भी रो पड़े थे वो तोहफा देखकर। जी हाँ, बहनों ने लिखा था, हमने आज भाई की कलाई में राखी बांधी, भाई संजय हमें देखकर कह बैठे, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों के लिए, सिर्फ 2 रुपये थे, 2 रुपये जेल के कूपन के तौर पर उनके पास मौजूद थे। वही 2 रुपये कूपन के तौर पर जो संजय दत्त के पास थे, उसे ही उन्होंने तोहफे के रूप में अपनी बहनों को दिए थे। इसके लिए उनकी बहनें काफ़ी रोई थी। नेक्स्ट 9 लाइफ से जुड़ती की रिपोर्ट।